वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास। इत्तेहादी जमातों के कायदीन और रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए भी शरीक। मुल्क की मजमूई सियासी और आइनी सूरतेहाल पर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में पैदा शुदा सूरतेहाल, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात पर भी मुशावरत। किसी मुमकिन सूरतेहाल पर कानूनी चाराजोई समेत मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर। नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक। हम देख रहे हैं कि आइन पर हमला हो रहा है। अगर सरकारी वज़रा हत्ता के साबिक वज़ीर आज़म अगर ये कहें कि हम इस तीन रुकनी बेंच का फैसला कबूल नहीं करते या नहीं करेंगे, दैट इज़ अंडरमाइनिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के आइन को अंडरमाइन करने के लिए पहला, जिसे कहते हैं ना, पहला उन्होंने वार किया है। एक बार फिर आइन पर हमला हो रहा है। हम चाहते हैं सब आइन पर अमल करें। पीटीआई चीफ जस्टिस और अदलिया का साथ देगी। शाह महमूद कुरैशी का दो टोक ऐलान। बोले आइन की पासदारी के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबता करेंगे। इमरान खान रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ने निकले हैं। बिलावल भुट्टो आइन हमला करने वालों के खिलाफ खामोश हैं। लाडलों के लिए अलग कानून और जो लोग पसंद आए उनके लिए अलग कानून। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हमेशा रियायत और बाकी पार्टियों के लिए जूते और डंडे। हमेशा इस मुल्क में क्या इस तरह चलता रहेगा निजाम? पीटीआई मुल्क में लाकानूनियत का बायस बन रही है। अगर इमरान खान को कुछ नहीं कहा तो फिर किसी को भी कुछ नहीं कहना। वजीर इतलास सिंह शर्जील इनाम मेमन ने कहा, क्या फैसले सिर्फ डंडे और बदमाशी के जोर पर होंगे? 75 साल तारीख में आइन और कानून की ऐसी बेतौकीदी नहीं हुई। पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए, रियासत के मुंह पर तमाचा है। तमाम सियासी जमातों का ये मुतालबा है, तमाम वकला तंजीमों का ये मुतालबा है, तमाम फरीकों का जो उस मुकदमे में फरीक है उनका ये मुतालबा है कि आप फुल कोर्ट तश्कील दें और फिर आप ये केस सुने। इससे अदलिया मजीद मुतनाज़ होगी, अदालती फैसला जो भी आएगा वो मजीद मुतनाज़ होगा और जो उसकी तौकीर है लोगों की नजर में उसको नुकसान पहुंचेगा। अदालतों का काम इंसाफ फराहम करना है। फुल कोर्ट की तश्कील सबका मुतालबा है। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं केस की समाअत को मुतनाज़ा बेंच के सामने ना रखा जाए। सईद गनी, तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। जमात इस्लामी इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई। इलेक्शन कमीशन के पास किसी केस को रोकने के लिए 60 रोज होते हैं। पहले जमात इस्लामी रिकाउंटिंग का कह रही थी, अब रुकवा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और फवाद चौधरी पर तंज। कहा, इमरान और फवाद बस आपने घबराना नहीं है। फवाद चौधरी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आंसू बहाए बगैर मिन्नत तरला शो था। गोलियां, डंडे और पत्थर बरसाने वाले आज खुद को कीड़े मकौड़े कह रहे हैं। पेट्रोल बम मारोगे तो दहशत गर्दी के मुकदमे तो दर्ज होंगे। इस वक्त एक माहौल बना दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। ये तो पर्चे हैं, चलें इसको हम डील कर लेंगे और इंशाल्लाह इन पर्चों से कोई घबराने वाले नहीं है। वो इस वक्त ओवरऑल आपको पता ही है कि खान साहब के ऊपर 40 पर्चे तो टेररिज्म के हैं। उन 40 टेररिज्म पर्चों में से 15 जो हैं वो एक दिन में दर्ज हुए। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस किस्म की फस्ताइयत का सामना है इस वक्त तहरीक इंसाफ को। मुल्क में पर्चों का माहौल बना दिया गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान के खिलाफ 40 दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। हम मुकदमात से डरने वाले नहीं। अजहर मशवानी और शाहिद हुसैन को अगवा किया गया। मुझ पर तकरीबन 7 केसेस हैं, किसी का कोई सर पैर नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं, बेंच जिस तरह तनाजियात और तकसीम का शिकार है, अदलिया की साख और तासुर के लिए ठीक नहीं। साफ जाहिर है ये बेंच अक्सरियत और गैर जानिबदारी खो चुका है। फैसले से पहले बेंच मुतनाज़े हो जाए तो वो इंसाफ नहीं होता। खुर्शीद शाह ने कहा, सियासी बहरान पीछे रह गया, आईनी बहरान ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। हम बंद गली में पहुंच चुके हैं, अगर कोई रास्ता बन सकता है तो वो फुल कोर्ट है। सूबाई इलेक्शंस 90 रोज में ना हुए तो सेनेट टूट जाएगा। डॉक्टर बाबर अवान कहते हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान सूबाई असम्बलियों से बनता है। मुल्क में नून लीग इस वक्त 1997 का एक्शन रीप्ले कर रही है। मुल्क में पहली बार लोग आटे और राशन की लाइन में जा बहक हुए। इसहाक डार की पॉलिसियों ने मुल्क को तबाह कर दिया।
लंदन में बैठा एक मफरूर और भगौड़ा अदलिया पर हमलावर हो रहा है। साबिक वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद कहते हैं उम्मीद है अगले हफ्ते में अदलिया का आईनी और कानूनी तारीखी फैसला आ जाएगा। राना सनाउल्ला के फरमुदात खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग है और आवाम दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। वज़ीर खजाना के बयान ना अहली का एतराफ है। मुल्क बंद गली में दाखिल हो चुका है। हुकूमत अदलिया पर हर तरफ से दबाव डाल रही है। पाकिस्तान में आटे की तकसीम में जिस तरह लाशें गिर रही हैं, ये हर पाकिस्तानी के लिए शर्मिंदगी की बात है। शहबाज गिल कहते हैं अदालत की इन्हीं राहदारियों में हमारे खिलाफ फैसले आए हैं। यहाँ हादसाती वजीर अजीब बातें करते हैं। आइन के खिलाफ जंग परवेज मुशर्रफ जीत सके और ना कोई और। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने नैब तलबी के नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। बुशरा बीबी ने नैब के नोटिस के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की, जिसमें 16 और 17 फरवरी के नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील से रोकने का मुकदमा लाहौर की अदालत ने वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी कर दी। अदालत का पीटीआई रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। सरकारी इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल पर फर्द जुर्म एक बार फिर आयद न हो सकी। दौरान समाअत शहबाज गिल और जज के दरमियान दिलचस्प मुकालमे हुए। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में शरीक मुलजिमान की अबूरी जमानतों पर पेशरफ। शरीक मुलजिमान कामरान कियानी नदीम जया की अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज साजिद अली अमान ने केस की समाअत की। वज़ीर आज़म के मौविन खुसूसी आहद चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस पर समाअत। नैब के मजीद 3 गवाहान इश्तियाक खान, ताहिर सैफुद्दीन और ज़ैनुल आरिफीन के बयान कलमबंद। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के गवाहों को तलब करते हुए कार्रवाई 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मैं मुसर्रत हिलाली सद के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नियत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूंगी। मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की पहली कायम मकाम खातून चीफ जस्टिस बन गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने मुसर्रत हिलाली से बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हलफ लिया। जुडिशियल कमीशन की जानिब से रेगुलर चीफ जस्टिस की तैनाती तक मुसर्रत हिलाली चीफ जस्टिस रहेंगी। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों में कमी। पाकिस्तान के आवाम रिलीफ से महरूम। हुकूमत की जानिब से नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए कमी। नई कीमतों का इतलाक 15 अप्रैल तक होगा। 1990 से 2023 तक तोशाखाना से तहाइब वसूली की तफसलात फराहमी का मामला अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से तफसलात फराहमी के लिए सदर और वजीर आजम को खत भिजवा दिया गया। अदालती हुक्म के बावजूद तहाल तफसीलात फराहम नहीं की गई। अदालती हुक्म की तामील ना की गई तो तोहीने अदालत की कार्रवाई के लिए आला अदलिया से रुजू किया जाएगा। खत का मतलब पीटीआई कराची के सोशल मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद सलमान मुबैना तौर पर लापता हो गए। पीटीआई तर्जुमान का कहना है मोहम्मद सलमान ने कराची प्रेस क्लब मुजाहरे में शिरकत की, जिसके बाद अब तक अहले खाना का राबता नहीं हो सका। अहले खाना के मुताबिक मोहम्मद सलमान का मोबाइल नंबर भी बंद है। मुफ्त आटे के हुसूल पर हयातबाद का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मैदान जंग बन गया। कम्प्लेक्स के बाहर शहरियों और पुलिस के माबेन झड़प। आटे के हुसूल के लिए शहरियों की जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश। पुलिस ने शेलिंग कर दी। मुजाहिरीन की तोड़फोड़। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट गर्बी की अदालत में फैक्ट्री में भगदड़ से हलाकतों का केस। अदालत ने फैक्ट्री मालिक समेत तमाम मुलजिमान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने मुलजिमान को रिहा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैक्ट्री में राशन और जकात की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से बच्चों और खवातीन समेत 12 अफराद जाबाक हो गए थे।
कराची एयरपोर्ट पुलिस ने शहरी का गुमशुदा बैग ढूंढकर शहरी के हवाले कर दिया। 10 मार्च को शहरी मोहम्मद असलम दुबई से कराची पहुंचा था। एयरपोर्ट से शहरी का हैंड बैग गुम हो गया था। हैंड बैग में 20 लाख मालियत के सोने के जेवरात मौजूद थे। पुलिस ने शहरी का हैंड बैग ढूंढ कर मुकम्मल सामान के साथ शहरी के हवाले कर दिया। रावलपिंडी के इलाके नसीदाबाद से 10 लाख तावान के लिए लड़के के अगवा की वारदात। पुलिस का सर्च ऑपरेशन, फायरिंग के दौरान मरकजी मुलजिम मोहम्मद उमर मारा गया। साथ ही फायरिंग करते हुए फरार मकान से 13 साल मुगवी मुश्तबा नसीम की लाश बरामद। मुगवी को अगवा के बाद गला घोंट कर कत्ल किया गया। फैसलाबाद में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कारपोरेशन को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कारपोरेशन मोहम्मद जुबैर को 1 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम में तलब किया गया। मोहम्मद जुबैर को 3 अप्रैल को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरसने का सिलसिला जारी। मौसम का हाल बताने वालों ने खुशखबरी सुना दी। बारिशों का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब NDMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। खबरदार होशियार, आज अप्रैल फूल मनाया जा रहा है। दोस्त रिश्तेदार हो या फिर कोई अनजान आपको फोन कॉल या मैसेज करे, बात अच्छी हो या बुरी, खुशी की हो या गम की, फौरी रद्द अमल बनते।